हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा कि आपको कंपोजिशन में स्मॉल फेसेस को कैसे कलर करें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्कारलेट कलर लेंगे, उसको पानी में मिक्स करेंगे और जिसमें कि कलर की क्वांटिटी कम होएगी और कम रहेगी और पानी की क्वांटिटी अधिक रहेगी। तो आइए लगाते हैं। तो देखिए, मैं जहाँ जहाँ पर कलर लगाता हूँ वहाँ वहाँ पे आप भी कलर लगाइएगा, जैसे कि नोज़ के पास। आईज के ऊपर, ये जहाँ मूछ रहती है इसके ऊपर, क्योंकि जिसको मूछ रहती है तो आप देखेंगे कि वो मूछ के पास पे थोड़ा डार्क रहता है। कानों के पास और ये लिप्स के पास और एक साइड ये इधर। ये लगाने के बाद अब हम लोग इसको थोड़ा सूखने देंगे और ब्रश को धोएंगे। ब्रश को धोने के बाद ब्रश में जो पानी लगा होगा उसी को हम लोग थोड़ा, उसी से हम लोग पूरा कलर को सेपरेट करेंगे, यानी फैलाएंगे। और कहीं कहीं हम लोग वाइट भी छोड़ते जाएंगे, जिससे कि और भी हम लोग का फेस जो है अच्छा दिखेगा। ये हम लोग का फर्स्ट टोन है। फर्स्ट टोन में कलर की क्वांटिटी कम रहती है और पानी की क्वांटिटी अधिक रहती है। और फिर हम लोग इसको पूरा सेपरेट करेंगे। मेरा ये सेपरेट हो गया है। अब इसको थोड़ा हम लोग सूखने देते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग सूखने देंगे। फ्रेंड्स, हम लोग का ये फर्स्ट टोन सूख चुका है, तो इसके ऊपर हम लोग सेकंड टोन लगाएंगे। सेकंड टोन के लिए ब्रंट साइना और स्कारलेट लेक को हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इनको हम लोग, और इसमें भी कलर की मात्रा कम रहेगी और पानी की मात्रा अधिक रहेगी। तो फिर अब हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हल्का हल्का लगाएंगे जहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट टोन जहाँ जहाँ लगाए थे, वहीं वहीं पे सेकंड टोन भी लगाएंगे। जिधर जिधर मैं फर्स्ट टोन जहाँ जहाँ मैंने लगाया था, सेकंड टोन भी वहीं वहीं पे लगेगा। तो आप लोग ब्रश को धो लेंगे। ब्रश को धोने के बाद पूरा हम लोग इसको अब सेपरेट करेंगे और हल्का हल्का सेपरेट करेंगे, जिससे कि फर्स्ट टोन दिखता रहेगा। फर्स्ट टोन दिखना चाहिए, सेकंड टोन ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि सेकंड टोन को फैलाने के चक्कर में पूरा फर्स्ट टोन ही छुपा दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग का ये, मेरा ये सेकंड टोन भी लग चुका है। अब इसको थोड़ा हम लोग सूखने देते हैं। तब तक हम लोग इसको, इसका हम लोग हेयर कलर कर लेते हैं। हेयर कलर करने के लिए ब्लू मिक्स करेंगे, ब्लू, और उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा अधिक रहेगी, कलर की मात्रा कम रहेगी। तो ब्लू मिक्स करने के बाद फिर बस हम लोग इसको एक साइड पर, बस इसको हम लोग नॉर्मल लगा देंगे। अब हम लोग का ये कलर हो चुका है। हेयर भी इसका हम लोगों ने कलर, फर्स्ट टोन हेयर में कलर लगा दिया है। अब इसमें हम लोग कलर, हेयर में जो हम लोगों ने कलर लगाया वहाँ पे कोई डार्क टोन लेंगे, ब्लू का ही डार्क टोन लेके उसको थोड़ा सा हम लोग
स्कारलेट लैक मिला के कहीं कहीं बस इस तरह उठा के कलर रख देंगे, जिससे कि थोड़ा कलर फैल जाएगा और भी हेयर जैसा लगने लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अब इसको हम लोग सूखने देते हैं, तब तक हेयर सूखता है और हम लोग हेयर सूखने देते हैं। तो हम लोग का सेकंड टोन भी सूख चुका है, अब हम लोग थर्ड टोन लगाएंगे। थर्ड टोन में ब्रंट साइना और स्कारलेट लैक की मात्रा को दोनों को एक दूसरे में मिला के, और इसमें पानी की मात्रा कम रहेगी और कलर की मात्रा थोड़ी अधिक रहेगी। तो हम लोग जहाँ जहाँ पे सेकंड टोन लगाए थे वहीं पे थर्ड टोन भी लगाएंगे। थर्ड टोन लगा लेंगे तब तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। थर्ड टोन को ही पूरा सेपरेट करेंगे। और इसको पूरा पैचेस थोड़ा थोड़ा नहीं रहेंगे, पैचेस नहीं पड़ाना है इसको, हम लोग को सेपरेट करना है। पूरा सेपरेट करने के बाद अच्छे से हम इसको पूरा सेपरेट करेंगे, पैचेस नहीं पड़ने देना है। तो मेरा ये सेपरेट हो गया। और हाँ, जैसे कि हम लोग को हर टोन पे इस तरीके से सेपरेट करना है कि कोई भी दूसरा टोन, एक दूसरा या पहला टोन किसी टोन के सेपरेट करने से छिपे ना, तो सारा टोन दिखना चाहिए। सो अब हम लोग का थर्ड टोन सूखता है, तब तक हम लोग बाल कलर कर लेते हैं। हेयर के लिए ब्रंट साइना को लेके ब्लू मिक्स करते हैं थोड़ा, और ब्लैक, ये तीनों को मिक्स करके अब हम लोग इसका हेयर करते हैं। हेयर में सेकंड टोन ही रहेगा खाली, हेयर में सेकंड टोन लगेगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हेयर भी हम लोग का कलर हो गया है, ऑलमोस्ट हेयर कलर हो गया है। अब हम इसकी जिस कलर से हम लोग उसका हेयर कलर किए थे उसी कलर से इसका हम लोग मूंछ भी कलर करेंगे। तो मूंछ भी कलर हो गया है, अब इसको थोड़ा सूखने देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका पूरा आईज और इसका आउटलाइन करेंगे। तो अब हम लोग इसका आईब्रो का आउटलाइन करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी आईज को या फिर नोज़ को पूरा पूरा नहीं आउटलाइन करना है, थोड़ा थोड़ा कुछ जगह छोड़ देना है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। अगर आप पूरा कर देंगे तो कार्टून जैसा लगने लगेगा। तो जैसे कि मैं ये आईज़ कर रहा हूँ तो मैं ऊपर का लाइनिंग कर दे रहा हूँ और नीचे का छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये इस तरह में और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। अगर आप पूरा नॉर्मली पूरा लाइनिंग कर देंगे तो एकदम बच्चों जैसा लगने लगेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा फिर। तब हम लोग इसका ये लिप्स करेंगे, लिप्स भी हो गया। अब हम इसकी थोड़ी मूंछों में थोड़ी सेकंड टोन मूंछों में भी दे देंगे, जिससे कि मूंछ और भी अच्छी लगने लगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग का ये आदमी जो
मेल का फेस है कलर करने के लिए, वो रेडी हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा मैं और भी इसको अच्छे से और कर दूं, और कहीं कहीं पे हम लोग इस तरह इसका लाइनिंग करेंगे, कहीं कहीं पे पूरा नहीं करना है, सिर्फ कहीं कहीं पे। हम लोग के ह्यूमन फिगर का जो फेस का है वो कलर हो चुका है, तो कलर हो गया है। अब हम लोग इसका कपड़ा कलर कर लेते हैं। तो ये कपड़े का वीडियो नहीं है, तो इसलिए कपड़े में कोई भी कलर हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। मैं आपको कपड़े का भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कपड़े कैसे कलर होते हैं, जितने भी तरीके के कपड़े होते हैं। तो ये तो खाली बस उसी तरह मैं पूरा कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो हम लोग का ये फेस कलर हो चुका है। तो आप लोग को एंट्रेंस में BHU के BFA के जो एंट्रेंस होता है प्रैक्टिकल का, इसी तरह कलर करना है फेस को।